भारतीय रेल जो लाखों लोगों को रोजाना अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। रेल जो लंबी यात्रा करने का सबसे अच्छा साधन है। यूं तो हम सब ट्रेन से यात्रा करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंजन का कितना माइलेज होता है? चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल ज्ञान पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, भारतीय रेल अपने सभी रेल मार्ग को इलेक्ट्रिक कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा विभाग को डीजल की बचत से होगा। अभी जिन मार्ग पर इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं है, वहां पर डीजल इंजन की ट्रेन चल रही है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर डीजल इंजन का डीजल टैंक कितने लीटर का होता है और कैसे उसका एवरेज निकाला जाता है। दोस्तों, इंजन को तीन कैटेगरी में रखा जाता है। डीजल इंजन की क्षमता के हिसाब से उनकी टंकियों को तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला 5000 लीटर, दूसरा 5500 लीटर और तीसरा 6000 लीटर। डीजल इंजन में प्रति किलोमीटर का एवरेज गाड़ी के लोड के मुताबिक तय किया जाता है। मसलन अगर गाड़ी 24 डब्बे की है तो लगभग 6 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का एवरेज आएगा। यहां पर एक बात बता दें कि अगर 12 डिब्बों की पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें भी डीजल का एवरेज लगभग 6 लीटर में 1 किलोमीटर का आएगा, क्योंकि हर स्टेशन पे उसे रुकना पड़ता है और ब्रेक एवं एक्सीलेटर लेने की वजह से डीजल ज्यादा खर्च होता है। अगर 12 डिब्बों की गाड़ी है और एक्सप्रेस है तो लगभग 4.5 लीटर में 1 किलोमीटर का एवरेज आएगा।